नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस वक्त हम मौजूद हैं चौधरी चरण सिंह एकेडमी में और यहां पर WHA यानी कि होलसेल होजरी एसोसिएशन का यहां पर टूर्नामेंट चल रहा है, क्रिकेट टूर्नामेंट है। और पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहां पर जो मैच है वो चल रहा है, यहां पर दो टीमें मैच खेल रही हैं और लगातार जो पूरा माहौल है वो बिल्कुल IPL से कम बिल्कुल नहीं लग रहा है और बहुत मज़ेदार यहाँ पर माहौल है, मेले जैसा माहौल है। यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं, होजरी एसोसिएशन से जुड़ी जितनी भी फैमिली है उनकी घर की फैमिली भी यहाँ पर आ रही है और बिजनेस से जुड़ी फैमिली भी यहाँ पर आ रही है। तो पहले मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखा देती हूँ, क्या है यहाँ के क्रिकेट से जुड़े नज़ारे और यहाँ के मेले से जुड़े नज़ारे। यहाँ पर नजारा मैं आपको यहाँ पे कुछ लोगों के पास लेकर चलती हूँ और जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको ये WHA फैमिली यानी कि होलसेल होजरी एसोसिएशन की तरफ से ये ऑर्गेनाइज हुआ जो टूर्नामेंट, वो उनको कैसा लग रहा है, क्या चीज़ उनको सबसे बेहतर लग रही है और क्या उम्मीदें वो इस WHA फैमिली से करते हैं। चलिए मेरे साथ, तो यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो इस पूरे टूर्नामेंट के बारे में क्या कहेंगी और यहाँ पर जो और जो फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की गई है उसके बारे में क्या कहेंगी। पहले बात तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी, कृति। कृति, यहाँ पर आने के बाद आपको पहली चीज जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करी वो क्या थी? एनवायरनमेंट यहाँ पे आई तो बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा जो यहाँ पे बाकी एक्टिविटीज हो रही है महिलाओं के लिए हो रही है? एक्टिविटीज हैं सबके लिए, लेडीज के लिए, बच्चों के लिए, बहुत अच्छा लगा। हर एज ग्रुप को ध्यान में रख के किया गया है। हर एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक एक एक्टिविटीज को यहाँ पर चुना गया है। मैम, आपका पहले तो नाम जानना चाहूंगी, प्रियंका। प्रियंका, क्या कहेंगे इस पूरे क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में, क्या उम्मीद थी आपको कि जो होजरी जो पूरे एसोसिएशन है वो इस लेवल का भी मैच ऑर्गेनाइज कर सकती है? हाँ जी, बहुत ही अच्छा इवेंट है। आई थिंक इट्स अ नाइस गेट टुगेदर। थ्रू दिस इवेंट पीपल गेट टू नो ईच अदर। मोर देन दैट, दे हैव ऑल फैसिलिटीज फ्रॉम फूड टू गेम्स टू लकी ड्रॉज। सो इवन इफ समबडी डज नॉट एंजॉय क्रिकेट, दे कैन ऑल्सो एंजॉय इट। इवन दो क्रिकेट इन इंडिया इज अ रिलीजन, पीपल एंजॉय इट, बट इवन इफ दे डोंट दे कैन एंजॉय दिस इवेंट। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो लोग यहाँ पे क्रिकेट नहीं देखना चाहते उनके लिए बहुत सारी यहाँ पे और भी एक्टिविटीज हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनसे जान लेते हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे क्रिकेट के बारे में, यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है, क्रिकेट देखने आए हैं, यहाँ पर बहुत सारी गेम हो रही हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं? उसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं। गेम्स में कौन कौन सी गेम खेली अभी तक आपने? अब तक तो कोई भी नहीं खेली। कोई भी नहीं खेली? अच्छा, क्या सबसे अच्छा लगा आपको? हॉर्स अच्छे लगा, हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छी लगी है। एक और बच्ची हमारे साथ, नाम जानना चाहेंगे आपका? प्राची। प्राची, यहाँ पर आने के बाद क्या चीज सबसे अच्छी लगी आपको? सब कुछ ही बहुत अच्छा है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार हो, सभी अच्छा लगा मेरे को तो। कोई एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया? हाँ, यहाँ पे अभी तंबोला खेली थी। अच्छा, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा उसका? बहुत अच्छा था, सब बहुत अच्छे से खिला रहे थे और बहुत अच्छे से सब लोगों को प्राइज भी दिया उन्होंने, किसी को ऐसा नहीं करा कि नहीं दिया कुछ, तो बहुत अच्छा था। यानी चीटिंग का कोई चांस ही नहीं था? हाँ, बिल्कुल नहीं था, नहीं था चीटिंग का। बहुत बहुत प्रैक्टिकली चीज चल रही है, बहुत फेयर यहाँ पर डिसीजंस लिए जा रहे हैं, यही है WHA का जो पूरा क्रिकेट टूर्नामेंट यही है। तो अभी ये बिल्कुल अंतिम चीज नहीं है, अभी इसके बाद ही हम आपको और भी लोगों से बात कराते हैं और लोगों से मिलाते हैं और जानते हैं कि वो इस पूरे क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ और लोगों के पास, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, अपने कैमरामैन से कहूंगी कि थोड़ा जूम करके दिखाएं, जो पीछे ये स्टॉल्स आपको नजर आ रहे हैं उन स्टॉलों पर महिलाओं के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज का जो यहाँ पर इंतजाम किया गया है, जैसे कि नेल आर्ट हो गई, मेहंदी हो गई, बहुत सारी चीजें हैं, तंबोला की गेम खिलाई जा रही है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो महिलाओं को भी यहाँ पर पूरा इंजॉय करने के लिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है। ऑर्गेनाइजर्स ने ये सोचकर ही ये पूरा जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज किया है ताकि जो फैमिली है वो पूरी तरह से इंजॉय करके जाए, चाहे वो घर के आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हो, सभी के लिए एंजॉयमेंट की एक एक चीज इस पूरे इवेंट में उपलब्ध है।
तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि वो इस पूरे टूर्नामेंट के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि लंबा समय है, लंबे समय से यहाँ पर टूर्नामेंट की तैयारी चलती है। इससे पहले जो प्रैक्टिस मैच है वो भी होता है और बहुत सारी चीज़ें जो है इस चीज़ के लिए की जाती हैं। सर, पहली बात तो आपका नाम जानना चाहूँगी। नवीन चावला। नवीन जी, इस पूरे टूर्नामेंट के बारे में आपका क्या कहेंगे? बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत समय लगता है इसको पूरे को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्या कहेंगे इसके लिए? ये बहुत कोई लंबा प्रोसीजर थोड़ी ना इसमें, ये तो से ये एक छोटा सा ही प्रोग्राम है, पारिवारिक प्रोग्राम बनाए हुए हम लोगों ने और इसमें चार मैच हो रहे हैं, अब ये फाइनल मैच होने वाला है। उसके बाद जो भी आएंगे उनको ड्रा निकाला जाएगा और लोगों को गिफ्ट दिए जाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, ये एक पारिवारिक प्रोग्राम है जो हम लोगों ने बनाया है। बिल्कुल पारिवारिक प्रोग्राम है जो ये होजरी की जो पूरी जो टीम है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रही है। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे और भी लोग हैं। सर, आपका क्या नाम है? मैं आपका नाम जाना। सतीश भाई प्रेसिडेंट। अच्छा। सर, इस पूरे टूर्नामेंट के बारे में आपकी क्या पूरी मतलब क्या आप कहना चाहेंगे? व्यापार के साथ साथ हमारे पारिवारिक संबंध बड़े अच्छे होते हैं, रिलेशन बढ़ते हैं, व्यापार में भी एक मतलब अच्छा माहौल आता है। जो कंपटीशन आजकल बुरी भावना से किया जाता है उससे हमें बचाव होता है और रिलेशन भी बनते हैं। एक तो रिलेशन ऊपर से बन के आते हैं, कुछ रिलेशन रिश्तेदारी में होते हैं, ये रिलेशन भी बड़े ज़रूरी होते हैं जो हम लोगों को ऐसे फंक्शन करने बनाया। अच्छा, पारिवारिक जब संबंध बनते हैं तो घर में भी आना जाना होता है? घर में आना जाना होता है, हमें हमारी जो कॉन्फ्रेंस होती है उनमें भी आपस में मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं जैसे काफ़ी दिनों बाद मिले हो आपस में घर, बड़ा अच्छा माहौल बनता है। बहुत अच्छा माहौल, कॉम्पिटिशन भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्वस्थ कॉम्पिटिशन रहता है। अब यहाँ पर और भी जो लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। रोशन लाल जैन। रोशन जी, क्या कहेंगे क्योंकि सर ने बता दिया है फैमिली जैसा माहौल रहता है। अच्छा, तैयारियों के लिए क्या कुछ खास आपको चीज़ें करनी पड़ती? मेरा बेटा भी इसके है कि ये कम से कम एक महीने से बहुत ज़बरदस्त तैयारियां कर रहे हैं, सब काम भूल भाल के इसको सक्सेसफुल बना के देख रहे हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि दिन पर दिन इसमें निखार आ रहा है और लोग बाग इसको एंजॉय कर रहे हैं और ये बहुत ही एक पिकनिक से भी ज़्यादा बढ़ के चीज़ बन रही है। और जैसे व्यापार में निरस्ता है, यहाँ पर एक निरस्ता खत्म हो रही है, लोग बाग एंजॉय कर रहे हैं। मैं ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देता हूँ। ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद दी गई है, भाई बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब अच्छी चीज़ होती है तो मुबारकबाद यहाँ से मिलती रहती है। तो WHA के प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि सभी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं पहली बात तो इस पूरे इवेंट की और उनको बहुत उम्मीद भी है कि जो इस बार देखने को मिला इससे भी बड़ा लेवल हमें अगले बार देखने को मिलेगा, क्या कहेंगे पहली बात तो इस विश्वास के ऊपर? देखिए, कोशिश करना हमारा फर्ज है, बाकी तो भगवान मालिक है। अगर हम पीछे से कुछ प्रोग्रेस करते आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे जो जितनी टीम है उसके अंदर कुछ काबिलियत है, वो अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करती है। तो ये इस बार का इवेंट जो है, अब आपने खुद ही सर्वे किया है, आप ही बता रहे हो कि लोग कितना लाइक कर रहे हैं, तो ये लोगों के जो व्यूज़ हैं या रिव्यूज़ हैं या हमारी कोई कल को कमियां हैं तो वो हमें पता लगती हैं, हम नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करते हैं। सेम जब डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, काम कर रहे होते हैं तो आपस में ईर्ष्या का माहौल होता है, लेकिन यहाँ पर आके हमें उसका बिल्कुल ही विपरीत चीज़ देखने को मिली। सभी फ्रेंडली माहौल है, सभी मिलजुल कर यहाँ पर मतलब गेम भी खेल रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं इस पूरे क्रिकेट टूर्नामेंट को। एक्चुअली हमारा मकसद इस प्लेटफार्म को बनाने का, WHA को आज 4-5 साल पहले हमने जो सोचा था कि हमने इसको एक हौजरी लाइन के लिए एक एसोसिएशन का गठन करना है, तो उस समय जब ये चीज़ें आई हमारे सामने तो हमने बड़े तरीके के साथ सबको मतलब एक उसमें एक धागे में बांधने की कोशिश करी। और देखिए, बिजनेस में कंपटीशन होना एक अलग बात है, मन भेद और मतभेद में फ़र्क है। आपका मन भेद नहीं होना चाहिए, मतभेद तो चलते रहते हैं, मतभेद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे तो आदमी को कुछ सीखने को मिलता है। मन भेद जब होता है तो तब आदमी को डिफ़िकल्टी होती है, तो हम ऐसी नौबत जो है वो आने देना नहीं चाहते। और जहाँ तक जब तक मेरे हाथ में, मैं कह नहीं सकता कल को क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक मेरे हाथ में अभी तक जो चीज़ है, मैंने प्रयास यही करा है कि हमारे बच्चों के अंदर, हमारे लोगों के अंदर, सबके अंदर एक प्यार का माहौल बने और हम आपस में जुड़ें। और अगर कोई समस्या आ भी जाती है तो हम आपस में बैठ के उसको सॉल्व कर सकते हैं, हमें उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो एम है उसको हम अगर अच्छा एम लेके चल रहे हैं तो भगवान भी उसमें साथ देता है, तो हमारी सोच अच्छी है। जब जुड़ा ये परिवार तो क्या लगा, क्या क्या डिफिकल्टीज आई और आज आप इस परिवार को किस तरह से देखते हैं?
मैम, ये हमारी जो संस्था है ये आज से तकरीबन 14-15 साल पुरानी है। मैं बहुत छोटा होता था, हमारे पापा चाचा प्रधान जी हमारे जो हमारे यहाँ सब जो भी आज हमारे डिग्निटरीज इसमें हैं उन सब ने मिलकर के इसको बनाया है। और शुरू से हमारे हौजरी व्यवसाय के अंदर व्यापार अलग जगह है और हम जो अपना पर्सनल रिलेशन है उनको अलग रख के चलते हैं। एकजुटता हमेशा हमारी संस्था के अंदर रही है। जैसे कभी हमारे ट्रेड में एक्साइज लगा तो उसके अंदर हमारी संस्था ने एक साथ खड़े होकर के सबने उस चीज के लिए सामना किया है। तो WHA से जुड़ी कुछ और महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं कि उनको यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट को देख कर कैसा लगा है। तो पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरी नाम श्वेता धनेजा। अच्छा, यहाँ पर आके पहली बात आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। एवरी ईयर आती हूँ मैं यहाँ पे, हर 2 अक्टूबर को यहाँ पे एक गेट टुगेदर होता है, फैमिली के साथ आते हैं, सबसे मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा, फैमिली के साथ आते हैं। अच्छा, गांधी जयंती का मौका इस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है, काफी सारी फैमिलीज यहाँ पर आई हैं, इकट्ठी हुई हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, महिलाओं के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या कितनी एक्साइटमेंट है इस सब चीजों को देख कर? बहुत अच्छा लगा, आपस में लोग मिले जुले, गेट टुगेदर हुआ और जो अननोन थे वो भी मिलना हुआ हम सबका, अच्छा लगा, अच्छी फीलिंग आई, दिन अच्छा स्पेंड हुआ हमारा, बहुत अच्छा स्पेंड हुआ है दिन। अच्छा, 2 अक्टूबर का दिन वैसे छुट्टी का दिन होता है लेकिन यहाँ पर आप पूरी फैमिली के साथ आए हैं, क्या पिकनिक जैसा माहौल देखने को मिला? बढ़िया, बहुत अच्छा है, पिकनिक का ही सारा माहौल है और हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया है। अच्छा, होना चाहिए हर साल? हाँ बिल्कुल होना चाहिए और होता भी है हर साल और होना भी चाहिए। अच्छा, इस बार जो आपको सबसे अच्छी कोई खासियत लगी हो उसके बारे में बताएं। ओके, सो यहाँ पे जैसे तंबोला सेलिब्रेशन हुआ था, उसमें एंजॉय हुआ, क्रिकेट गेम्स हो रहे हैं, काफी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिकेट का गेम खेला जा रहा है, क्रिकेट वैसे हम लोग भी खेल सकते हैं और टूर्नामेंट भी हो रहा है और काफ़ी नेल आर्ट की एक्टिविटी है, मेहंदी सेलिब्रेशन हो रहा है और अलग अलग एक्टिविटी सेलिब्रेट हो रही है, बच्चे भी इंजॉय अच्छा कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, हॉर्स राइडिंग यहाँ पर देखने को मिली, उसका इंजॉयमेंट आपने कितना किया? हॉर्स राइडिंग में बहुत मज़ा आया, बच्चों ने भी इंजॉय किया, यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, मतलब हर काम बड़े सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत मजा आया हमने, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे सारा काम हो रहा है। अच्छा, खाना कैसा लगा आपको यहाँ? खाना बहुत अच्छा है, ब्रेकफास्ट लंच सब बहुत अच्छा बना हुआ, बीच में सब अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ है। अच्छा, इस बार आप पहली बार आए हैं या इससे पहले? मैं तो हर टाइम आती हूँ, थर्ड टाइम आई हूँ मैं। अच्छा, क्या डिफरेंस आपको नजर आया पत्ता में? और अकॉर्डिंग एक्टिविटीज ज्यादा है और क्या कहते हैं, तंबोला का अरेंजमेंट अच्छा किया हुआ है, लेडीज के लिए अच्छा अरेंजमेंट, लेडीज के लिए भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हमें यहाँ पे देखने को मिला कि अगर क्रिकेट है तो बस क्रिकेट का ही माहौल हो, यहाँ पे महिलाओं के लिए भी सब कुछ है और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं वो भी यहाँ पर लगातार चल रही हैं, इस चीज को किस तरह से देखते हैं आप? तंबोला जैसे था, अच्छा खेला, मेहंदी है, नेल आर्ट है, बहुत सारी एक्टिविटीज है जो एंजॉय कर सकते हैं क्रिकेट के अलावा, तो अच्छा लगा यहाँ पे आके, हर साल ऑर्गेनाइज होना चाहिए तो डे अच्छे से स्पेंड हो सकता है, बहुत अच्छे से दिन स्पेंड होता है, सभी का यही कहना है कि हर साल सेलिब्रेट हो और ये हम चाहेंगे कि लगातार जो उसका स्तर है वो भी बढ़ता रहे ताकि जो लोगों की जो खुशी है उसका स्तर भी लगातार और ज्यादा बढ़ता रहे। तो ये थे WHA यानी कि होलसेल होजरी एसोसिएशन जुड़े तमाम लोग, तमाम पदाधिकारी और लोगों से भी हमने यहाँ पर बात कर ली है और आपने देख लिया है पूरा यहाँ का माहौल, इसी तरह का मेला हर साल यहाँ देखने को मिलता है। तो तमाम इस तरह की अपडेट्स जानने के लिए लगातार बने रहिए दिल्ली दर्पण TV के साथ, कैमरामैन संदीप रानीवाल के साथ, मैं डिंपल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण TV।